हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयनों से जुड़ी खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आपने थंबनेल को एडिट किया होगा, देखा होगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग PET परीक्षा यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है ना, उसको लेकर के अब आज यानी 15 जुलाई को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इसकी सुनवाई होगी। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आज लाखों छात्रों की आशाएं इस जो है सुनवाई पर लगी होंगी। कहीं न कहीं ऐसे तमाम छात्र थे, विशेष तौर पर ग्रामीण इलाके के जो छात्र थे, उनकी ये मांग थी कि PET रजिस्ट्रेशन की डेट एक बार पुनः बढ़ाई जाए, लेकिन आयोग उस पर कोई विचार नहीं किया। आयोग बिल्कुल हठी की तरीके से डटा रहा और उसने बिल्कुल मना कर दिया और PET की परीक्षा की डेट को भी अनाउंसमेंट कर दिया गया। 20 अगस्त को परीक्षा को लेकर के अनाउंसमेंट किया गया है, आपको पता होगा। अब क्या ये परीक्षा 20 अगस्त को हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। खबरें ये भी आ रही हैं कि सुनवाई ये 1:30-2 बजे के आसपास आपकी जो है कंप्लीट भी हो सकती है। जैसा कि कुछ खबरें मिल रही हैं माननीय उच्च न्यायालय में कि युवा पहुंच चुके हैं, अभ्यर्थी जो इन्होंने याचिका दायर की थी PET रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने को लेकर के, उन्होंने जो है एंट्री कर चुके हैं। और जैसे भी वहां से खबरें मिलती रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा, और यहां से खबरें हम दिखा भी सकते हैं आप सभी लोगों को, आप सभी लोग फ्रेंड देख भी सकते हैं। इस अभ्यर्थी पंकज पांडे है ना, कल यानी जो इनकी खबर इनकी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 15 जुलाई 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित अर्हता परीक्षा यानी PET के फॉर्म का रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाने को लेकर की सुनवाई है, और आशा है उच्च न्यायालय छात्रों के पक्ष में न्याय देगा, है ना। लगातार ट्यूट किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा। यहां से आप सभी लोग देख सकते हैं, अब देख सकते हैं चैनल के माध्यम से हमारे आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, और भी यहां से आप सभी लोग देख सकते हैं। सर प्लीज़ हेल्प रीओपन SSC पैट रजिस्ट्रेशन, बेस्ट ऑफ लक बॉस। अब यहां से देखते हैं, आभार आपका तमाम। महेंद्र कुमार शंकधर, आप देख सकते हैं कुंदन सिंह, तमाम अभ्यर्थी हैं जो इस ट्वीट को रिट्वीट किया गया है उनके द्वारा कि एक बार पुनः बढ़ाया जाए। थैंक यू बोला गया है, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। यानी लगातार अभी ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं फ्रेंड्स जो कि सभी ट्विटर का यूज़ तो नहीं करते, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ तो नहीं करते, लेकिन उनकी भी यही आशा है कि एक बार पुनः PET की तिथि को बढ़ाया जाए, एक हफ्ते का कम से कम मौका मिले। क्योंकि जो लास्ट तिथि 21 तारीख लास्ट डेट थी, उसके 4 से 5 दिन पहले साइट क्रैश हो चुकी थी, साइट बिल्कुल हैंग हो गई थी, साइट चल नहीं रही थी। तो इसमें गलती कहीं ना कहीं ऐसे तमाम समझदार और पढ़े लिखे युवा के भी गलती नहीं है, जो कि जब आखिरकार जब साइट ही नहीं चलेगी तो उस बीच वो क्या कर पाएंगे। और निश्चित तौर पर फॉर्म जब लास्ट डेट होता है तो युवा काफ़ी ज़्यादा जो बचे हुए होते हैं तो बिल्कुल एकदम से टूट पड़ते हैं और साइट क्रैश हो जाती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो सामने आई हैं। और आयोग बिल्कुल मौका देने के मूड में नहीं है, और बिल्कुल आयोग ने बोल भी दिया था, साफ साफ क्लियर बोल दिया था कि हम अपडेट को नहीं बढ़ाएंगे। इसको लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है और आज सुनवाई है, आप देख सकते हैं। और खबरें हैं कि आपकी बात शुरू हो चुकी है कोर्ट में, और शाम को जैसे भी कुछ अपडेट मिलेगा मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ हुआ, डेट एक्सटेंड होगी नहीं होगी, क्या कुछ ऑर्डर आया है, ऐसा जैसा भी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा राहुल वाई फाइव स्टेशन के माध्यम से। फ्रेंड्स, आई होप खबरें आप सभी लोगों को अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।